हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर वन और इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आएगा जिसमें न्यूमेनिक के थ्रू मैं हेडिंग्स रटवाऊंगा आपको। उसके बाद सर, ये पूरा पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ दे चुका हूँ और इसका लिंक सर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है सर, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जो भी नोट्स मैं बना रहा हूँ वो आपको मिलते जाएंगे वहाँ पे, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती जाएंगी। चैप्टर पूरा अपलोड हो चुका है आज शाम तक सर, अभी 13 एंड शाम तक 14 में डाल दूंगा, तो आज ये चैप्टर पूरा पैकअप हो जाएगा, यानी हम 27 से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑडिट के अंदर। ठीक है सर, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो बात करता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब कुछ चीज़ें होती हैं सर, पहले दिमाग और दिल तक पहुंचनी चाहिए, जब तक हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग तक नहीं जाएगा। इसे ऐसे समझिए कि लेट सपोज आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है सर, आपने रास्ते पे चलना शुरू किया और आपकी मम्मी यहाँ पे हैं, मम्मी ने कहा कि बेटा संभल के चलना, आगे कीचड़ है, गिरना चाहो, ठीक है, लेकिन गिरना ना गिरना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं रखेंगे यहाँ पे चलते समय, आपने ज़्यादा जल्दी से जंप लगाया कीचड़ में या फिर आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, आपकी जो स्लिपर्स हैं स्लिप की, तो आप गिर जाएंगे सर। तो मम्मी का काम तो यही बताना है कि बेटा संभल के चलो, गिर जाओगे, चलना कैसे है ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा, आपकी लगाम आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे चलने वाले हैं। तो दोस्त, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है सर, पहले तो इनहेरेंट लिमिटेशंस को पहले समझो सर, अपने आप आपको ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस समझ में आने लगेगी। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ सर, लेट सपोज मैं एक टीचर हूँ दोस्तों, ठीक है, और टीचर होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको क्वेश्चन 14 तक बहुत अच्छे से समझाया, नेक्स्ट मतलब 27 से मैं आपको नया टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, नया चैप्टर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और पूरा पीएमएसी में हम याद कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन आप इसे मेरे पढ़ाने के बाद कितनी बार रिवाइज करते हो, कितनी बार लिख के देखते हो, कितनी बार टेस्ट देते हो, कितनी बार इसे मोहब्बत और शिद्दत में तब्दील करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये मेरे ऊपर नहीं करता। तो आपका फेल होना या ना होना ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाएगा, यानी आपकी खुद की एक गलती हो जाएगी या आपकी खुद की कमी हो जाएगी कि आप मेरी कही गई बातों को सही से फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। आपको पास कराने की 100% गारंटी भगवान भी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि गीता में लिखा है कि अगर जब तक जीव कर्म नहीं करेगा उसे फल वैसे ही नहीं मिलने वाला। तो सर पहले कर्म तो करना पड़ेगा ना। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की ऑडिट तो हम करके आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ उसमें कमियां रहने की, उसमें गलतियां रहने के चांसेस रह जाते हैं। तो वो क्या वजह है कि हम सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं कि भैया हो सकता है कि कुछ गलतियां रह गई हो, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है दोस्तों, अच्छा सर मेरी बात को अब थोड़ा ध्यान सुनना कि जब हम ऑडिट करेंगे तो हम अपने मैक्सिमम एफर्ट लगाएंगे। मैक्सिमम एफर्ट मतलब दिल दिमाग अपनी आत्मा सबको लगा देंगे मैक्सिमम एफर्ट लगा के। हम इसमें ड्यू केयर करते हैं, ड्यू मतलब होता है सर प्रॉपर, है ना, प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से करेंगे, डेलीगेंस करेंगे सर, इसको सर लिखा जाता है गेंस लेकिन पढ़ा जाता है जेंस, डेली जेंस, लेकिन आप गेंस ही पढ़े क्योंकि आपकी स्पेलिंग ना। तो सर मैं तो इसे यह भी पढ़ता हूँ, दिल्ली वाले गेंस, लेकिन इसे डेली जेंस, जेन ज का प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन उसे छोड़िए, फिलहाल हम गलत पढ़ेंगे क्योंकि हमें मार्क्स लिख के आने वाले हैं, बोल के नहीं। तो सर डेली गेंस मतलब होता है हार्ड वर्क, मतलब हम पूरी शिद्दत के साथ काम करने वाले हैं। ये दो वर्ड आपको कीवर्ड के तौर पे यूज़ करने के, हम ड्यू केयर करेंगे, प्रॉपर केयर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, और डेलीगेंस रखेंगे, डेलीगेंस मतलब हार्डवर्क रखेंगे, अपना काम करते समय अपने आप से कोई लापरवाही हम नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन बात आती है कि आपने प्रॉपर काम किया, सब कुछ काम किया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो आपने ओपिनियन दिया वो रॉन्ग हो सकता है, आप जो शिद्दत कर रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका फल गलत आ सकता है, रॉन्ग, क्यों? तो सर आपका एक एसेट 200 होता है, इसको मेंशन नहीं किया जाता पीएम में, कहा जाता है इसे हटा दिया गया है, कुछ नया है कुछ पुराना है, इसलिए समझदार लोग 99% लोग इसको मेंशन ही करना पसंद नहीं करते।
ठीक है सर, वैसे मेंशन करते हैं एसे 200 के नाम से, तो एसे 200 में सर ये हमें क्या सिखाता है? ये सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि भैया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट मतलब आप ऑडिट करने क्यों आए थे ये बताओ। तो सर मैंने आपको इसके दो ऑब्जेक्टिव शुरू के बेसिक्स लेक्चर में भी बता दिए थे, सनी लियोने वाले केस में भी याद दिलाया था, याद आ रहा है आपको? तो उसमें मैंने बताया था कि भैया एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहता है कि भैया एक ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर व्यू देना है, लेकिन फिर इसमें भी हमने बातें पढ़ी थी कि भैया वो रिकमेंडेशन देगा मैनेजमेंट को कोई गलती हुई तो, ठीक है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखेगा, और अगर उसे कहीं कोई गलती नहीं लगता है तो ऐसे करेगा, गलती लगी तो मैनेजमेंट को कैसे बताएगा। तो ये सारी बातें हमने पहले ही लेक्चर्स में कर ली थी सर। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बताता है, साथ में ये बताता है कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट कि भैया एक ऑडिट को हमने बता तो दिया कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लेकिन लक्ष्य तक जाएं कैसे, दैट इज कंडक्ट। लक्ष्य तक जाएं कैसे, दैट इज कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट कि भैया एक ऑडिट को कंडक्ट कैसे किया जाए, इन अकॉर्डेंस विथ एसे, ठीक है सर। एसे मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसे मतलब एसे के अकॉर्डिंग इन्हें कैसे कंडक्ट किया जाए। तो मतलब निशाना तो पता है कि भैया सीए करना है, लेकिन सीए कैसे किया जाए, दैट इज कंडक्ट, और कैसे किया जाए अपने स्टडी मटेरियल और पीएम के साथ, आरटीपी के साथ किया जाए। तो ये हो गया सर एसे, लेट सपोज ये एग्जाम्पल है, बस ऐसे नहीं दिलाया जाना है आपको, वैसे ही सोचना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट यानी मेरे ऑडिट का लक्ष्य क्या है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए जो दिशा है वो हमें एसे द्वारा दी जाती है कि आप इस तरीके से अपना काम करें। तो सर जब हम इनहेरेंट लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन होता है सर जजमेंट, ठीक है, सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन होता है जजमेंट। जजमेंट की जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर, तो आपको दो बातें जरूर मेंशन करनी है। माफ कीजिएगा सर, पहला होता है ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर मतलब एक ऑडिटर को पहले ध्यान रखना होगा वो किस एंटिटी में जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके स्टाफ मेंबर कौन है, उसके साथ सपोर्ट कौन कर रहा है, वो वहाँ कितना टाइम देने वाला है, उसको इसके लिए कितने रुपए मिल रहे हैं। तो ये सर पूरा ऑडिट का प्रोसीजर तैयार करता है वो कि मुझे किस तरीके से ऑडिट को कंडक्ट करना है। तो सर ये जजमेंट बेस पे है, क्योंकि अगर आपका जजमेंट गलत हो गया, आपको यही नहीं पता कि भैया जो चाय बननी है उसमें चीनी डालेंगे शक्कर, तो आपका जजमेंट गलत हो जाएगा ना। अगर आप इसमें डाल देते हैं नमक सॉल्ट, तो भैया ये चाय चाय ना रह के काढ़ा बन जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या डालना है। तो ऑल थिंग इज बेस्ड ऑन जजमेंट, जजमेंट सही नहीं होगा तो सर आप जीवन में सही जगह जा भी नहीं सकते। तो सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है ऑडिट का, कि भैया सब कुछ करते हुए भी गलती की हो जाती है, क्योंकि बंदे ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाया, वो कन्फ्यूजिया गया, क्या हो गया, कन्फ्यूजिया गया कि मैं किस दिशा में जाऊं, है ना। तो दो पॉइंट ध्यान रखने सर, पहली दिशा में वो गलती कर सकता है ऑडिट प्रोसीजर, मतलब उसे यही नहीं पता कि सामने अगर लेट सपोज एक खूबसूरत सी लड़की है, अब लड़के तो सीटी बजाने लग गए होंगे, क्या कह रहे हो सर, इसके बाल भी बना दो, ये ले उसके बाल, नाम क्या रख दूँ इसका, चलो अब नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम मुझे भी नाम नहीं पता यार लड़कियों के कैसे कैसे नाम होते हैं, चलो इसका नाम गुप्ता जी रख देते हैं, ठीक है, ये गुप्ता जी है, ठीक है। तो गुप्ता जी क्या कहती हैं, गुप्ता जी को आपको प्रपोज करना है, लेट सपोज, तो अलग अलग प्रपोजल हो सकते हैं ना, और ये प्रपोजल बेस करेंगे जजमेंट के, कि इस बंदे को पता है कि कैसे इंप्रेस करना है या नहीं करना है। लेट सपोज आज क्रिसमस है, 21 दिसंबर है आज, तो पहली बात तो मैरी मैरी क्रिसमस दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस की बहुत सारी बधाई हो। अब ये लड़का क्या करता है, ये कहता है कि गुप्ता, वो कहते हैं हाँ, ये तुम्हारे बाल इतने उड़े उड़े हैं, मैं तुम्हें हेयर ड्रेसर देता हूँ, तुमने बाल ठीक कर लो। अब क्या लड़की पटेगी ऐसे, ये लड़का हाँ आप बहुत स्लिम दिख गई हो, ये लो बॉडी बूस्टर खाओ, थोड़ी सी पहलवान हो जाओ, क्या पटेगी ऐसे, नहीं। तो यू हैव अ करेक्ट जजमेंट, यू हैव नो टू नो दैट हाउ यू शुड हैंडल दैट सिचुएशन, आपको सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, आपको सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपकी प्लानिंग ठीक होगी।
ठीक है, या फिर हनी सिंह में, हनी सिंह की तरह जाओ, उसकी आंखों में देख के कहो, मेरी आंखों में दिखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लड़का नहीं हूँ जो तेरे साथ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आप इसे इंप्रेस कैसे करने वाले हैं। तो ऑडिट प्रोसीजर यही बताएगा कि आप जो स्टेप लेने वाले हैं वो कैसे हैं। तो स्टेप अगर आपके गलत हो गए तो आप गलत दिशा में पहुंच जाओगे, और अगर आपके स्टेप सही आप ले रहे हो तो आप सही दिशा में पहुंचोगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपको इसके लिए मैं हल्की सी रीडिंग भी दिलवा देता हूं सर। इसमें इन्होंने यही कहा सर, पहली बात एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, कि भैया आपको जजमेंट लेने की सारी प्रक्रिया है। तो ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द जजमेंट, कि भैया जो आप जजमेंट ले रहे हो उसकी रीजनेबलनेस क्या है, मतलब क्या वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग परफेक्ट जजमेंट होने वाला है या फिर आप ऐसी कुछ भी लिखने वाले हो। एक्सरसाइज बाय द मैनेजमेंट इज सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर मैं आता हूँ, पहले समझा लूँ। तो सर पहली बात तो आपको ऑडिट प्रोसीजर का ख्याल रखना है, और दूसरा सर आपको इसमें याद रखना है मैनेजमेंट जजमेंट। मैनेजमेंट जजमेंट, आप कहोगे मैनेजमेंट जजमेंट क्या है सर? ऑडिट प्रोसीजर मतलब हमारी चालाकी कैसी थी, हम कैसे शतरंज के पासे को फेंक रहे थे। शतरंज के पासे देखे ना सर, चेस में हम कैसे पासे फेंक रहे हैं, पहले हम राजा को आगे बढ़ा रहे हैं, रानी को आगे बढ़ा रहे हैं, या वजीर को आगे बढ़ा रहे हैं, या हाथी को आगे बढ़ा रहे हैं, या ऊँट को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमने कोई स्टेप गलत लिया तो इनहेरेंट लिमिटेशन ये है कि हम हार जाएंगे। दैट इज ऑडिट प्रोसीजर। मैनेजमेंट जजमेंट मतलब कि अगर मैनेजमेंट ये कह रही है कि भैया WDV लगाओ जबकि उस जगह SLM लगना चाहिए, वो कह रही है FIFO लगाओ लेकिन उस जगह वेटेड एवरेज लगना चाहिए, तो ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाती है कि आप चाहोगे कि ऑडिट का मैं कंक्लूजन सही तरीके से ले सकूं, लेकिन मैनेजमेंट के ने जो जजमेंट ले रखा है वो ही हमसे मैच नहीं कर रहा, वही उनके सिस्टम से मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट आप चाहते हुए भी सही दिशा में नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको? ओके, मैं इसको रीड आउट करवाता हूँ आपके साथ। ये कहता है सर, बाय द मैनेजमेंट इज सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, उसे मैनेजमेंट का रीजनेबलनेस ऑफ जजमेंट एक्सरसाइज, कि भैया ऑडिटर जो अपना जजमेंट ले रहा है और मैनेजमेंट का जो उसने अपना ले रखा है, इनके बीच में अगर मतभेद होता है तो भी ये इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ऑडिटर चाह के भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मम्मी चाहकर भी बच्चे को गिरने से नहीं रोक सकती, उस तरीके से ICI भी कुछ नहीं कर सकता। अगर ऑडिटर ने कुछ अपनी प्लानिंग कर रखी थी ऑडिट प्रोसीजर्स की अलग, और ये भाई साहब मैनेजमेंट है अपना डिसीजन ले रहे हैं अलग तरीके से। उसके बाद है सर नेचर ऑफ एविडेंस। अरे भैया जल्दी आ जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यस, तो सर यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑडिट एविडेंसेस की। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस क्या कहते हैं भाई? सर ऑडिट एविडेंस में टोटल पहली बात तो बता दो, 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर ये एग्जाम में आता है तो। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर कलेक्ट करता है वो कंक्लूसिव नहीं होते। अब ये कंक्लूसिव वगैरह क्या होता है, ये शुरू से हम बहुत सारे लेक्चर्स में सीख चुके हैं, तो वो पिछले लेक्चर्स आप जरूर देख लें। ये हमेशा परसुएसिव नेचर का होता है, ठीक है? और परसुएसिव में भी आपको लिखना है कि भैया परसुएसिव होता है, और इसमें हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है सिर्फ एक। क्यों मिलती है? क्योंकि भैया उसके पास इतना समय नहीं है कि वो पूरे दिन बैठ के आपकी एक वाउचर्स को चेक करें, उसके पास इतना सारा काम होता है, तो किसी तरीके से आपकी कॉपियाँ चेक कर रहा है सर, तो उसे एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है कि मैं आपको ये सर्टी दे दूंगा कि आपका काम कैसा हुआ, लेकिन 100% मैं नहीं सच बोल सकता सर। ये इसके लिए मैंने ऐसे 240 में भी गाना बना दिया, रैप सुना दिया आपको। ये सर बहुत डिस्कशन हो गई है परसुएसिव एंड रीजनेबलनेस के ऊपर। तो आप अगर मेरे अब तक के सारे पार्ट पहले के दिखा देख चुके हो, 10-11 जो बने हैं, तो आपको ये वाला टॉपिक मुझे नहीं लगता दोबारा बोलना चाहिए, क्योंकि सर टाइम भी बचाना है ना, कहीं काम टाइम लगेगा कहीं ज़्यादा। सर अगली लिमिटेशन में आती है मैनेजमेंट की लिमिटेशन आती है। मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है भैया? कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कभी नहीं देती, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती, हमेशा कुछ ना कुछ क्या कर देती है, खा जाती है, मुझे सब कुछ बताती ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं सही डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाऊंगा। सर फ्रॉड होता है कई बार एविडेंसेस में,
और वो डीप लेड होता है। मैंने सबूत मांगते मांगते मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बहरा हो गया, इन द सेंस गला खराब हो गया और कान गूंगे हो गए। मेरा जो गला था वो बहरा हो गया और जो कान थे वो गूंगे हो गए। मैंने कहा भैया कि मैं फ्रॉड हो रहा है इतना ज़्यादा, इसलिए मैं सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो डीप लेड होगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इनहेरेंट लिमिटेशन है साहब, मैं चाह के भी इसे नहीं कंट्रोल कर सकता। उसके बाद सर अगला पॉइंट आता है सर, वो कहता है लॉ। लॉ ने क्या कर रखा है भैया, हमें सर्च एंड सीज की पावर नहीं दी है, ठीक है, ये पावर लॉ ने हमें नहीं दी है। मतलब लॉ ने हमें बांध रखा है कि भैया आपको सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। अगर काम करते दौरान आपको कोई चीज लगी कि ये गलत है तो वहां आपको पकड़ के मैनेजमेंट से बात करनी है, मैनेजमेंट ना माने तो रिपोर्ट में लिख देना है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। अगर वो गलत है तो आपको गलत लगता है तो, अगर आप पकड़े ही नहीं पाए तो मैनेजमेंट को ही परेशान ना करो, अपना काम ही ना करो, अपने काम पे ध्यान रखो, ट्रू एंड फेयर व्यू दो और निकल लो। मतलब लॉ ने ही हमें इतना स्ट्रांग नहीं बना रखा हमारे हाथों को कि भैया अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे जाके एक स्लैप्ड मारो कान पे और बोलो बदतमीज तूने ये क्यों किया। तो दोस्तों समझो मेरी बात को कि हमारे हाथ लॉ ने बांध रखे हैं, सर्च एंड सीज की पावर ही हमें नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो हम चाह के ही कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी दादागिरी चला ही नहीं सकते। अब आपको कि सर ये कुछ याद रखने का ट्रिक सिखाओ ना, देखो ट्रिक मैं बताता हूँ इसके लिए। एक चीज याद रखोगे इस क्वेश्चन के लिए, मैं बेचारा इन द सेंस कि भैया मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। ऑडिटर के लिए क्या थीम आनी चाहिए, मैं बेचारा प्यार का मारा, मैं बेचारा प्यार का मारा क्या करूं। अब ये तो बता क्यों, कैसे बेचारा, तो भैया मैं बेचारा हूं क्योंकि कभी मुझे अपने एविडेंसेस नहीं मिलते, एविडेंसेस के कारण कभी परेशान हूं, कभी मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि मैनेजमेंट दुखी करती है मुझे, टाइम से डॉक्यूमेंट नहीं देती जो मैं मांगता हूं, इन्फॉर्मेशन नहीं देती, मैनेजमेंट कभी दुखी रखती है, कभी चोर के कारण। चोर के कारण यानी डीप लेड फ्रॉड, उसने डीप लेड फ्रॉड कर रखा है तो मैं चाह के भी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा कि डॉक्यूमेंट कैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे। और सर कभी लॉ के कारण। तो सर इस वाली हेडिंग में आप ये ऐसे याद रख लोगे कि भैया एविडेंस नहीं मिलते, मैनेजमेंट साथ नहीं देती, चोर समझदार है बड़ा और लॉ ने मुझे नकारा है किया, ठीक है सर, आपको ऐसे याद रखना है। सर इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पे लिखना है सर इंटरनल कंट्रोल के बारे में। अगली प्रॉब्लम मेरे साथ ये आती है जब ऑडिट करने के लिए मैं जाता हूं, इन द सेंस आप जाते हैं कि वहां का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल पे क्या क्या पॉइंट्स आप लिखोगे। तो इस पे आपको याद रखना है कि मुझे चार बातें टेस्ट और एग्जाम में जरूर लिखना है। सर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भैया इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशंस क्या है, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है इन द सेंस कि उन्हें वो सारे रिसोर्सेज और वो सारे प्रोसेसर दिए ही नहीं गए हैं, समझाए ही नहीं गए हैं कि वो लोग 100% अच्छे से काम करके दें, उन्हें वो पावर ही नहीं दी गई है, इतना इफेक्टिव ही नहीं बनाया गया है, इतनी अच्छे से कड़ाई ही नहीं की गई है, इतना अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन ही तैयार नहीं किए गए कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर में चल सके, ये लिमिटेशन है सर। दूसरा है सर कोल्यूजन हो जाता है, तू मेरा भाई है, मतलब मिली भगत इन द सेंस, मैंने आपको कोल्यूजन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, आपको मैंने पोस्ट का एग्जाम्पल दिया था कि भैया दो पोस्ट पे लड़के रखे, एक सोता है तो एक जाग के काम करता है, एक जागता है तो दूसरा सो जाता है, जबकि मैंने रखे थे दोनों को कि भैया दोनों मिलके काम करना, तो जब ये अपने टाइम में हेरा फेरी कर देता है, ये अपने टाइम में हेरा फेरी कर देता है और मेरा इंटरनल कंट्रोल इतना स्ट्रांग ही नहीं कि मैं पता लगा पाऊँ कि हेरा फेरी कौन कर रहा है, तो मिली भगत हो जाती है। सर याद आ रहा है आपको, मैंने एक बार सिखाया था। उसके बाद सर मैनेजमेंट की बात आती है कि मैनेजमेंट बड़ी चालू, वो खुद ही मैनिपुलेट करवा देती है, ठीक है, तो मैनेजमेंट जब मैनिपुलेट कराती है तो हम इसे कहते हैं ओवरराइड इंटरनल कंट्रोल, मतलब अपने बनाए नियम कानून को खुद ही कुचल देना, रौ देना, दैट इज मैनेजमेंट ने क्या किया, अपने बनाए रूल्स रेगुलेशन को ओवरराइड किया, यानी मैनेजमेंट ही
जिस ताले को लगा के जा रही है, मैनेजमेंट बाद में आके खुद ही उसे इलीगल तरीके से खोल के मिसयूज कर रही है। ठीक है सर, ये है हमारा मैनेजमेंट मैनिपुलेशन करता है। ठीक है सर, यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ सर कि वो दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं। ठीक है सर, उसके बाद एक वर्ड आपको सीखना है, टू असर्ट। टू असर्ट सर जी, टू असर्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है टू से विथ कॉन्फिडेंस। टू से विथ कॉन्फिडेंस मतलब जो भी इंसान जब भी कुछ कहता है और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। क्या कहता है? जब भी कोई इंसान कुछ कहता है और वो कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो इसे हम कहते हैं टू असर्ट। इसी से सर लॉ में एक वर्ड बना है असर्शन। इसके ऊपर लास्ट टू एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय असर्शन एंड व्हाट आर द असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर असर्शन क्या होता है कि आप इसे ऐसे कह सकते हो, जो स्टेटमेंट आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दी है, ठीक है, या फिर दूसरे इंग्लिश में बोलें तो स्टेटमेंट गिवन विथ कॉन्फिडेंस। स्टेटमेंट गिवन विथ कॉन्फिडेंस मतलब जो स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस के साथ दिया गया है, ठीक है, जिस स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंस के साथ दिया गया है उसे हम कहते हैं असर्शन। तो असर्शन में हम मैनेजमेंट से तीन चीज़ों को लेके कहते हैं कि भैया ये बातें हमें लिख के दो कि भैया ये असर्शन हम मानेंगे, तभी असर्शन मानेंगे। मतलब जो आप कह रहे हो हम उसे तभी सही मानेंगे जब आप लिख के दोगे, और जब वो लिख के दे रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हाँ भैया तेरा बाप चोर है, इन द सेंस वो ये खुद से कह रहे हैं कि हाँ दाल में कुछ काला है, या वो खुद से कह रहे हैं कि हाँ जिसकी कोई भी गलती हुई तो हम मानेंगे, तो वो असर्शन कहलाता है। तो सर इसमें आपको टोटल असर्शन याद रखनी है सर कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब कि हमारी कंपनी जिसमें हम ऑडिट करने गए वो किसी ऐसी कंपनी से डील कर रही है जिसमें रिलेटेड पार्टी के बारे में उन्होंने डीलिंग की है। यानी लेट सपोज मैं हूँ डायरेक्टर इस कंपनी का और दूसरी कंपनी में जो डायरेक्टर है वो मेरा भाई है, इसे कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो इसके लिए असर्शन देनी पड़ेगी मैनेजमेंट को कि भैया वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं यही कह रहे हैं और यही जिम्मेदार है तो हो सकता है ये गलत भी कह दें, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया, इनहेरेंट लिमिटेशन में। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अपने बारे में सच सब थोड़ी ना बताएगी। वो जो धूल मचा रखी है उसने, जो उसने धांधली मचा रखी है, जो उसने धोखा दे रखा है, वो अपने सच खुद से अपने गुनाहों को थोड़ी ना मानेगा। दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक कंप्लायंस ऑफ लॉ कि भैया मैनेजमेंट खुद ही कहेगा कि हम ना सारे नियमों कानूनों को मानते हैं। अब लेट सपोज इसने कोई कानून नहीं माना है, लेट सपोज चाइल्ड लेबर एक्ट इसने फॉलो नहीं किया है, वो छोटे मासूम से बच्चे से चाय बनवाता है, ठीक है, ये सर चाय की प्याली, तो सर ये मुझे थोड़ी ना बताएगा कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए इनहेरेंट लिमिटेशन है कि मुझे चाह के भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है। फिर भी मैं अपनी सतर्कता रखूंगा, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि चाहते हुए भी ऑडिटर इन बातों का पता नहीं लगा पाता। उसके बाद है सर गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है सर? गोइंग कंसर्न कहता है कि भैया ये जो कंपनी है या जो हमारी एजम्पशन है या जो हमारी कंपनी है ये लंबे समय तक आगे कंटिन्यू रहने वाली है। अब मैनेजमेंट कह रही है इस बात को तो एक ऑडिटर मानेगा कि हाँ कंपनी कह रही है तो सही कह रही होगी। अब ऑडिटर कोशिश करेगा पता लगाने की, पता लगाया तो अच्छी बात, नहीं पता लगाया तो भी ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही रिटर्न में कह रही है कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऐसे ऐसे है। ठीक है सर, तो ये आपको ख्याल रखना है इसमें असर्शन के अंदर। और उसके बाद सर आपको अगला पॉइंट आता है सर टेस्ट चेकिंग के बारे में। टेस्ट चेकिंग ये भी सर एक हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हम चाहते हुए भी ऑडिट रिपोर्ट को 100% सही नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि टेस्ट चेकिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता,
हमारे पास टाइम ही नहीं होता सर, 3 से 4 महीने हमें मिलते हैं, और उसमें भी हमें सर तकरीबन 20 कंपनियां देखनी है, उसकी इस पूरे साल की ट्रांजेक्शन का पूरा ऑडिट करना है, टैक्स रिपोर्ट देनी है, रिटर्न्स देनी है, तो सर इतना टाइम ही नहीं मिलता। टैक्स चेकिंग करते हैं, तो सर टैक्स चेकिंग तो आपको क्या होता है, ये हमने पहले ही शुरू की क्लास में पढ़ लिया था, और इसके लिए एक लाइन लिखवा रहा हूँ सर, ये याद कर लेना, आपका बहुत काम बन जाएगा, आप एग्जाम में ये लिख के जरूर आए सर। यूजर ऑफ फाइनेंशियल मैनेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट, यूजर यूजर तो क्या होते हैं सर, स्टैक होल्डर होते हैं, स्टैक होल्डर आपको याद हो, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, एक्सपेक्ट दैट ऑडिटर विथ फॉर्म एन ओपिनियन विथ इन रिजनेबल टाइम। एट अ रिजनेबल कॉस्ट। अब सर ये देखो क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझो, कह रहा है बेटा टाइम भी कम से कम लो, पैसे भी हम कम से कम देंगे, इन दोनों का रिलेशन समझो भैया, जहां टाइम आप कम लगाओगे पैसे भी कम मिलेंगे, तो आपको क्वालिटी अच्छी कैसे मिल जाएगी ये बताओ, आप क्वालिटी आपको 100% अच्छी कैसे मिल जाएगी। आप जो 20 कंपनी के रुपए हैं, चलो ठीक है मैं 20 ना कंपनी करके 10 ही कंपनी दूंगा, लेकिन जो मैं 20 कंपनी से प्रॉफिट कमा सकता हूँ 2 करोड़ का, वो 10 कंपनी 2 करोड़ दे दे, मैं इतने पे टाइम लगाऊंगा, मैं 100% लगा दूंगा इस पे एफर्ट, लेकिन मेरे पास इतना समय भी तो होना चाहिए, और समय का तो मैं तभी अपना आपके लिए यहाँ पे दूंगा ना जब आप मुझे इसकी कॉस्ट देंगे, लेकिन आप कॉस्ट भी देना नहीं चाहते, वो भी रिजनेबल रखना चाहते हो, समय में क्या रहा हूँ समय भी नहीं देना चाहते, तो भैया मैं कहाँ से 100% का बोझा लेके घूमूं ये बताओ मुझे। तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट, वो उम्मीद करते हैं दैट द ऑडिटर विद फॉर्म एंड ओपिनियन, भैया वो एक ओपिनियन बता दे कम से कम समय में कम से कम खर्चे में, तो लो जब कम से कम समय देना है कम से कम खर्चा देना है, तो लो बाबा जी का ठुल्लू लो, 100% नहीं दूंगा गारंटी में, साफ साफ बोल देता हूँ, ठीक है सर। हर चीज को होने में एक समय लगता है, और जब तक वो समय आप नहीं दोगे किसी भी चीज को कंप्लीट होने का, वो चीज पूरी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। सर इन्हीं बातों को मैंने सजो दिया है किताब के अंदर, और मैंने नहीं सजाया सर, सिंपल सी बात है, सारे टीचर झूठ बोलते हैं, ये सिंपल सी बात है सर, ये जितनी भी देखो असर्शन रिलेटेड पार्टी नॉन कंप्लायंस जो भी है, ये सब मैंने स्टडी मेट और प्रैक्टिस में उनसे कॉपी किया है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको लाइन लिखवाई, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है भैया कि भैया कॉस्ट इफेक्टिव नहीं मिलती ना पूरी, हम गारंटी इसीलिए आपको नहीं दे सकते। तो फाइनली क्या है सर, तो ऑडिटर कैन सर ये कंक्लूजन भी दे देना है प्लीज, 5 में से 5 मिलेंगे, एक कंक्लूजन की हेडिंग और डाल देना, द ऑडिटर कैन नॉट गारंटी, भैया भरोसा नहीं दे सकते, दैट वंस हैज बीन साइन द रिपोर्ट, कि भैया मैंने एक बार साइन कर दिया अकाउंट को, इसका मतलब ये नहीं है कि मिस स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जिसकी ये 4 वजह है, ठीक है सर। तो इसी के साथ सर अलविदा चाहूंगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो सर ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन कर लें मुझे, ब्रॉडकास्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मैरी क्रिसमस, और वीडियो पसंद आए तो सर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, आपके लाइक एंड कमेंट मुझे भी इंस्पायर करते हैं दोस्तों जितना आपको। और सर एक छोटी सी बात, मुझसे ये ना कहें सर सिलेबस कब तक होगा, मुझे अपना सिलेबस अपना शेड्यूल अपना पैटर्न पता है, मैं बता दूंगा सर, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आपकी 20 जैन तक आपका GST फिनिश करवा दूंगा, आपकी 20 फेब तक आपका ये खत्म हो जाएगा सर ऑडिट, और सर आपका 20 मार्च तक, ठीक है सर, आपका डायरेक्ट टैक्स का खत्म हो जाएगा, और मार्च 31 तक आपके लिए अगर मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बैच बनाया तो वो भी मैं खत्म कर दूंगा। तो सर बस यही अटेम्प्ट में आपको मैं दे पाऊंगा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, प्लीज सर बार बार शेड्यूल ना पूछें, ठीक है, मुझे अपनी प्लानिंग पता है, और आपसे ज़्यादा मुझे आपका ख्याल है सर, एक बड़े भाई, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा टीचर होने के नाते मैं सारी बातों का ख्याल रखूंगा सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।